सभी को मेरा प्यार भरा पहला और छोटू को ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है पूनम डोबाल और मैं देवभूमि उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तौलिया लेके धूप सेक रही हूँ क्योंकि आजकल पता नहीं आज काफ़ी धूप की आवश्यकता हो रही है मुझे। मैं कब से धूप में ही बैठी हुई हूँ और तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी धूप आज खिली हुई है। तो ज़्यादा ही धूप लग जा रही है, हाथ पैर काफ़ी काले पड़ जा रहे हैं, तो तौलिया भी लाई हूँ अपने साथ। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है। आज है मंगलवार यानी कि 3 अक्टूबर। आप लोग बने रहो, ब्लॉग बनाते रहूँगी, देखते हैं आज के दिन में क्या रहता है। ठीक है, अब ना मैं पढ़ाई शुरू कर रही हूँ तो अभी 10 बजने वाला है। तो ये रहा मेरा पेन का बॉक्स, इसमें मेरी सारी पेन है और मैंने खासकर सभी को कहा है कि मेरी पेन पे कोई हाथ न लगाए। मेरे पास इतनी सारी पेन है और बहुत सारी पेन है, वो आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये रही मेरी ड्रीम कॉपी। अब आप कहोगे ड्रीम कॉपी क्यों, इसका रीज़न आपको मैं बाद में बताऊंगी। अभी थोड़ा पढ़ लेती हूँ, 10 बज चुके हैं, 10, 11, 12, तो 12 बजे से खाना बनाना होगा। तो मिलती हूँ आपको मैं 12 बजे और तब तक के लिए। और मेरा टेबल पूरा रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। एक मेहमान आया है, बिल्ली। क्या देख रहा है तू अंदर, क्या देख रहा है? किसका मान्यू है तू, किसका बच्चा है तू? छी, इसका तो सांप का कलर। किसका है ये बच्चा? ऊपर मुंडी दिखा। तेल लेना, रोटी लाती हूँ, तू यहीं पे रुक, यहीं पे रहना, अंदर मत आना। नहीं अंदर नहीं, यहीं पे रुकना। किसका मान बच्चा है ये, इतनी भूख किसको लग गई? सूखी रोटी है मेरे पास, तो ले। इतनी भूख लगी है इसको, रुक जा मैं तेरे लिए दूध लाती हूँ, दूध में भिगा के दूंगी, ले सब खाना। अब इसके लिए ना दी थोड़ा सा दूध ले जा रही हूँ मैं, क्योंकि वो ना रोटी उसने बर्बाद कर दी। ये इसको पता था शायद ना। रुक तो, अभी मत खा, इसको डाल रही हूँ उसमें, इसको भी खा, ये रोटी बर्बाद कर दी। दूध दूध क्यों पी रहा है, रोटी भी खा। बेचारा किसका है, भूख से हालत खराब होगी इसकी, भूख लग गई इसको बहुत ही ज्यादा। कितना काला है देख सकते हैं आप इसको, अपने आप खाते हैं। तो करीबन 12:30 हो चुका है और तो मैं आई हुई हूँ अभी छत में। आज मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी आज भी, क्योंकि ना आज भी थोड़ा बहुत ऐसी सब्जी वब्जी खाने का मन कर रहा था। तो धूप देखो ऐसी आई हुई है धूप, और सुबह का मौसम मैं आपको दिखाऊंगी, अभी देखना सुबह का मौसम कैसा हुआ था एक बार। और पहले दिखा लेती हूँ अभी का मौसम। आई थी अभी, तो कभी कभी आती रहते हैं बिल्लियाँ, कभी कोई कभी कोई। ये आज कोई दूसरी बिल्ली थी, काफ़ी भूख लगी थी उसे, तो उसने पूरी कटोरी चट कर ली। मतलब इतनी भूख लगी थी बेचारे को, अब वो मतलब कोरी रोटियाँ थी कैसे खाता ना। तो थोड़ा दूध दिया तो उसका पेट भर गया, क्योंकि ना किसी भी भूखे हुए भूखे प्राणी को देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि इसको खाना देना चाहिए। जैसे कल मैं बहुत भूख लग रही थी तो मैं सोच रही थी कहीं से कुछ आ जाए, क्योंकि ना कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में कुछ भी नहीं होता है, होता है ना आपके पास, मतलब आपके साथ भी ऐसा होता होगा। और कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास फल फ्रूट और कुरकुरे फुरकुरे बहुत सारी चीज़ें, बिस्किट बहुत सारी चीज़ें रहती है और अंदर से खाना होता है बहुत सारा। कभी ऐसा होता है कि कुछ नहीं होता है, होता है ना। तो कल मेरे साथ ऐसा हुआ, तो कोई बात नहीं। तो आप लोगों ने ब्लॉग देखा, जिसने नहीं देखा कल का ब्लॉग देख लेना एक बार, ठीक है। काफ़ी भूख उसमें लग गई थी, एक ही कुरकुरे था हमारे पास उसमें,
ठीक है, मैं सुबह का मौसम एक बार देखो आप। तो अब मैं जा रही हूँ आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाने, वो भी सुबह का। तो ये देखिए, तो पूरा मौसम बहुत दबदबा हो रहा है और ऊपर से सूरज भी निकल गया है। ये देखिए कुछ ऐसा मौसम हो रहा है। तो बहुत सारे बादल ही बादल लगे हैं और सूरज भी, एक साइड से सूरज भी निकला है। तो काफी अच्छा मौसम यहाँ पे दिख रहा है आप। अब धूप लग रही है मुझे भी थोड़ा बहुत, सर पूरा गर्म हो चुका है। तो मैं जाती हूँ नीचे और खाना बना रही हूँ। मैं खाना बनाती हूँ, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। देखते हैं कि कैसे अब क्या रहता है ब्लॉग में। आप लोग बने रहो, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय। तो खाना बना के हमने खाना खा भी लिया है। आज का ब्लॉग इतना ही, अब हम आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। तब तक के लिए आप लोग सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मेरे ब्लॉग देखने में और ज़्यादा व्यस्त रहो। बाय।